नमस्कार। जागरण यानी दैनिक जागरण में एक खबर आई है। उस खबर में कहा गया है कि मरकज तबलीगी जमात का मौलाना शाद, जिसकी 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अकूल संपत्ति है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है, जागरण ने क्या कुछ बताया है, चलिए सुनते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश को बड़ी मुसीबत में डालने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद शाद ने अकूत जायदाद बनाई है। सूत्र बताते हैं कि वह 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित कर चुका है। हालांकि 27 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर संशय स्थिति बनी हुई है। पुलिस आयुक्त लेकर क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के साथ ही पुलिस साध और मरकज प्रबंधन से जुड़े अन्य मौलानाओं की गिरफ्तारी संबंधित कोई कदम उठाएगी। चंद सालों में शाद ने जो है अपनी संपत्ति बेशुमार दौलत अर्जित की है। जी हाँ, जागरण बताता है कि जानकार बताते हैं कि अपने चाचा के मृत्यु के बाद मरकज की गद्दी पर काबिज होते ही शाद ने चंद सालों में बेशुमार दौलत अर्जित की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मुकदमा दर्ज किए एक सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्राइम ब्रांच और ईडी की चुप्पी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं जागरण आगे बताता है कि मौलाना शाद जाकिर नगर में क्वारंटाइन है। सबसे बड़ा सवाल उठाया है जागरण ने, कहा है कि शाद की मौजूदगी को लेकर है। इसके अधिवक्ता वीडियो वायरल कर दावा कर रहे हैं कि मौलाना शाद जाकिर नगर में क्वारंटाइन है। अगर यह सही है तो क्राइम ब्रांच उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। उसके उलट वह उत्तर प्रदेश के शामली स्थित फार्म हाउस और निजामुद्दीन स्थित मरकज में छापे मार रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाद की गिरफ्तारी पर दंगे भड़कने की आशंका है और उसी के चलते सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच वह कोई और मोर्चा नहीं खोलना चाहती है। हालांकि मरकज को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े अधिकारी के साथ आला पुलिस अधिकारी की गोपनीयत चर्चा होने की बात बताई जा रही है। शाद के वकील का दावा है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक शाद के वकील ने एक टीवी चैनल को बताया है कि पुलिस के कहने पर शाद ने कोरोना टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है जो पुलिस को सौंप दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर वकील का कहना है कि मरकज किसी से आर्थिक सहायता व दान नहीं लेता है। यहाँ लोग निःशुल्क आते हैं और आने जाने का खर्च खुद उठाते हैं। वकील ने तो ईडी का नोटिस मिलने से भी इनकार किया है। हालांकि वकील के दावे पर खुद सवाल उठ रहे हैं। अगर दान व आर्थिक मदद नहीं ली जाती है तो निजामुद्दीन स्थित बैंक ऑफ इंडिया में मरकज के खाते में रोज कहां से पैसे जमा किए जाते हैं, ये भी जागरण ने सवाल उठाया। वहीं जागरण ने आगे कहा है कि बैंक प्रबंधक रविंदर को क्यों इसका संज्ञान लेना पड़ा और उसने केयर टेकर जावेद को साद को लेकर बैंक आने को कहा था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के सवाल को तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी हाँ, ये थी जागरण की वो रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, शाद को लेकर अहम खुलासा जागरण ने किया है। ऐसी लगातार खबरें पाने के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।